अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम एक ऐसे ही लाचार और मजबूर अफराद के घर आए हैं जिनकी कहानी हम आपको सुनाते हैं कि उनके साथ क्या बीती है, कि उनके हालात इस कदर गमज़दा हैं और इस कदर वो मजबूर हैं अपनी ज़िंदगी से कि वो दो वक्त का खाना भी नहीं खा सकते। और हम उनसे पूछते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर बसर, उनकी ज़िंदगी का कैसे हुआ है और उनकी ज़िंदगी कैसे इस मोड़ तक आ गई है कि वो अपनी ज़िंदगी का मतलब ना वो ठीक से खा सकते हैं, ना अपने बच्चों का इलाज करवा सकते हैं और उनके पास कोई भी सहूलत मैसर नहीं है। ये तो हम उनसे पूछेंगे। और क्या वो शुरू से ही इस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं या उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा हादसा पेश आया जिस वजह से उनके हालात इतने बदतरीन हालत में हो गए हैं? तो चले हम उनका आपको घर दिखाते हैं और उनकी ज़िंदगी के हालात के बारे में उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हम इनके घर आ चुके हैं। पहले तो हम आपको इनके घर दिखाते हैं कि ये किस घर में गुजारा कर रहे हैं। इस तरह के घर में लोग अपने जानवर भी नहीं बांधते, क्योंकि आजकल आपको पता है कितनी सर्दी है, सर्दी का मौसम है, तो लोग जिधर जानवर हो सबसे और वो उनको ठंड ना लगे। ये देखें बेचारे लकड़ियों का है और लकड़ियां भी इस तरह के दूर दूर, हवा तो बड़ी दूर की बात, धूप छांव हर बारिश भी इनके घर में खूब आती होगी। ये देखें जिनके घर आए हैं समझ नहीं आ रही इनका घर शुरू किधर से हो रहा है और ख़त्म किधर पे हो रहा है। ये कमरा है, ये देखें बगैर दरवाज़ा तो ज़ाहिर है किधर से लगेगा जब लकड़ियाँ खड़ी हैं सिर्फ। और ये सेहन है जिसमें ये लोग बैठे हैं। और ये देखें इनके दरमियान में ये एक छोटा सा दो चूल्हे बना के इन्होंने अपना किचन बनाया हुआ है, बस यही इनका घर है। बाकी बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके हालात हुए हैं, तो बाकी बातचीत करते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि इनके हालात कैसे इस मोड़ पर आए हैं कि ये बेचारे इस तरह के घर में रहने पर मजबूर हो गए हैं। आप पहले तो ये बताएं कि आपका नाम क्या है? नाम हुमैरा। हुमैरा, ठीक है। आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे पाँच। पाँच बच्चे? हाँ पाँच। ठीक है, ये तीन ये हैं एक ये। अच्छा अच्छा, वो मतलब किसी की वो माल का क्या? अच्छा अच्छा, किसी के वो जानवर चरा रहा है भाई? हाँ, किसी के चरा रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है। और आप ये बताएं कि मतलब आप लोग शुरू से इस ऐसे हालात में रह रहे हो या अब आपके इस तरह के हालात हुए हैं? इस तरह हालात होते हैं उनके, आपके जो है ना माल सदा वो भिरान हो गए, बड़े मैम सर ने छोटा मेरे को ही से प्योर लेते ना बोला छोटे सारे, मेरी शादी पहली शादी मेरे उन नौ बच्चे हैं, वो बच्चा बच्चा की फौत थी, बोले दूसरी शादी करी है। आपकी पहली शादी? हाँ पहली शादी है। अच्छा, उसमें नौ बच्चे? हाँ उन नौ बच्चे ने फौत थी, वही बोले ही कि त्रा बच्चे त्रुट बने, बोला कर्जा सिर से आप जी शुरू को नहीं, बोला कर्जे में कुछ दोनों माल ना लेते नहीं, बोला तो पता बोला मैं उतू सीधा सीधा बोला कर्जे ही थी गया हूँ 12-13 लाख रुपये लोगों ने देना। अच्छा 12-13 लाख काकी हूँ मसला जवान है हूँ इन कोई करना है तो माल तेरे सामने ही हो लोगों ने आधार नौकरी मुंडा खड़े मैं आप ही 100-150-200 जाड़ी कमा बना वो तो घर के हालात देखती थी बुखार एक कोसा तपते होने एक दिन बच्ची सारी फौत दिए तीसरे इलाज पैसे का जगह 4 साल की बच्ची जा अपनी जगह को मिल में कि तुम को बंदोबस्त थी नहीं तो सारी यहीं संग तो संग अल्लाह ताला तौफीक दे बच्ची कोई मेहर बनी करा दे शाम से। देखें भाई कह रहे हैं कि इनके जो है ना
पहली शादी थी उसमें 9 बच्चे थे और वो बच्चे फौत हो गए, तो घर वाले जो बचाए इसके कि इनकी हेल्प करते वो इनको कर्ज़ा देना शुरू हो गए, मतलब जब इनके पास खाने को नहीं होता तो कर्ज़े के तौर पर इनको रकम दे देते थोड़ी बहुत। तो 25 लाख जो है इन्होंने पैसे किसी के देने हैं 25 लाख। और घर ये देखें बिल्कुल दीवारें तो है नहीं, और बेटी माशाल्लाह जवान है इनकी, और नहर के पास जो जगह खाली होती है थोड़ी सी उधर ये इन्होंने झोंपड़ी बना ली है उसकी घास वगैरह की, ताकि ये मतलब अपना सर तो छुपा सकें। और जो भाई बैठे हैं वो कर्जे में इस तरह डूबे हुए हैं कि 25 लाख रुपया उन्होंने अभी देना है लोगों का, तो वो किधर से बेचारे देंगे। कहते हैं कि जो मैं जानवर चराता हूँ किसी के तो वो जो है ना मतलब 100-200 रुपया मुझे दे देते हैं, मैं वो ला के तो कभी, अभी एक बेटी भी फौत हुई है इस वजह से कि वो पैसे नहीं थे इलाज के, इस ये क्या है ना, अल्लाह माफ़ करे, अस्तग़फ़िरुल्लाह। और ये बेटी जवान बैठी है माशाल्लाह, इसकी शादी के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है। और आप कैसे, तबीयत वगैरह आपकी ठीक रहती है? आपको बस ये डॉक्टर चेक कर रखे ने शुक्र है, कोई अगर दुकान है असल ना इलाज करा ना कोई टेस्ट करवाया। अच्छा, मतलब वो कहते हैं आप बीमार हो, कोई कहता शुगर है, कोई कहता यरकान है, मतलब अगर ये मतलब बीमार रहते हैं, शुगर है, यरकान है, तो अब क्या करें? अब कहते हैं कि सवारी के ऊपर बैठने के तो पैसे नहीं होते, तो साइकिल पे भी, साइकिल भी नहीं है कि उसके ऊपर चल के कहीं चले जाएं किसी डॉक्टर को दिखाने, तो सवारी में जाने के तो पैसे नहीं होते, 10-20 रुपए भी नहीं होते कि किसी सवारी पे बैठ के चले जाएं हॉस्पिटल या उनको चेक करवा दें। तो भाई आप एक दिन में कितना कमा लेते हो? बाबा जी 200-150 यो कमाने जा चो कमा सी सही करने के ऐसा हूं तो रेगुलर सेल सरते में दी। हां 200 बाद से उठ जा पाले के बीच बंदे को ज्यादा होवे ना, कोई शर्माया कोई बंदा कुछ अंडा खावे कुछ खावे अगर वो तो खाण गंदा करे सर्दी उठो में बुला जो से बस सुखा बट कुर खा दियो सब था कम है ऐसा कि 200-100 का भला कहीं ना कोई है कि बंदा कुछ अंडा खावे कुछ खावे अगर वो तो खाण गंदा करे सर्दी उठो में बुला जो से बस सुखा बट कुर खा दियो सब था कम है ऐसा कि 200-100 का भला कहीं ना कोई है कि घन का भी तो जो मैं तो 10,000 तू तो घन के जो तक काम कर सर उसी को से 10,000 जुला 100-100 भी मैं कटना भला सर की में गुजरान थे। अच्छा, मतलब ज़्यादातर तो कर्ज़ा देना है, क्योंकि अगर काम करता भी है तो वो अपने कर्जे में करवा लेता है। अच्छा, अगर कोई काम करवाता है तो वो अपने कर्जे में काटते हैं, खाने के लिए फिर कुछ नहीं होता। तो अब मतलब सारा साल कपास चुनते रहे हो और बाद में जो पैसे देने के आए तो वो कहते हमने काट लिया। तो खाना वगैरह मतलब रोज कैसे गुजारा करते हो? खा लेते हो खाना? बस सारा पका के तो कदो इमी खा के तो कहीं ना कहीं ना इमी खा के। अच्छा, कभी होई तो खाली नहीं होई, तो बस होई तो खाली ना होई तो बस सर किलो खांदा को ना दुकान उधार तेरे वो नहीं ने जाहिर इतना इनके ऊपर कर्जा है 25 लाख दे रहा है, तो अब कहते हैं एक किलो चीनी लेने जाओ तो वो भी कोई नहीं देता क्योंकि कर्जा इतना है। पैसे तक नहीं, क्या दे से, मतलब उनको ये पता है कि ये कमाता तो है नहीं ना, तो इसके पास कोई पैसे हैं तो ये किधर से देगा। मेरे खुद भिरा ने मेरा सर भाई वो लोग उन्हें की बात गिने कि तू थाने ला दो तू पैसे क्या दे सकता तू नहीं कोई है कि थाने ला दो, मतलब सके भाई जो है वो कहते हैं कि इसको बांध लो इसको थाने ले जाओ पैसे वो दे देगा। अच्छा, अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी करे। कोई इस तरह का काम है जो आप कर सकते हो आसानी से, अगर कोई आपको जो सुन रहे हैं वो आपको कोई काम करवा दे, कोई कौन सा इस तरह का काम है जो आप आसानी से कर सकते हो? ऐसा नहीं कि कुत्ते को माल ढोर घिना दे तो वो असन पठे दे पा दे काट दे को नया तो चरा दे वो सब कर सकते हो, क्योंकि पहले छोटे लाता सन माल रहेगी बाकी ब्याज जमींदार है या जना से कितने से कूल मर गए ठीक है गल ते ए मतलब वही कह रहे हैं कि अगर कोई जानवर मुझे ले दे बकरी या कोई भैंस या गाय तो उसको हम पाल के तो अपना गुजारा कर सकते हैं। ठीक है, ये काम आप कर सकते हो क्योंकि जानवर भी किसी के चराते हो तो वो आपको 100-200 दे देता है, जाहिर है वही काम कर सकते हो।
अच्छा, सबसे मेन ये है कि आपको बहने बैठने के लिए जगह चाहिए। तो ये जगह नहर की है, जो नहर के साथ साथ होती है ना, वो जगह है। तो ये किसी मतलब वैसे आप झोपड़ी लगा के बैठ गए, थोड़ी सी आपको जगह मिल जाए रहने की। अच्छा इंशाल्लाह। पानी भी नहीं है इधर, इधर नलका भी नहीं है आपके, पानी भी नहीं है इधर, इधर नलका भी नहीं है आपके। नलका तो नल के पानी किधर से लेने जाते हैं? पानी मसीद ना नलका खड़े थे, तकरीबन 2 किलोमीटर होगा जिधर चल के जाती हो पानी लेने। देखे पानी भी नहीं है इनके पास, पानी लेने भी 2 किलोमीटर जाते हैं। वॉशरूम वगैरह तो नहीं होगा? नहीं। जानवर किसी के चराते हो? जानवर किसी के कोई जरा भी आ गया भी तो सॉरी मुंडा गया अकेले मैं ना वो जानवर उन्होंने लोकल चला। हां अपने जाति है बकरी भी है, जाति जानवर एक बकरी भी नहीं है। अगर जाति जानवर हो तो चलो आप उसको पाल के अपने घर का गुजारा तो कर सकते हैं। चलो ठीक है इंशाल्लाह, अगर किसी ने आप लोगों की मदद की तो इंशाल्लाह आप लोगों तक जरूर मदद पहुंच जाएगी, और जो हो सका तो इंशाल्लाह आप लोगों को पहुँचेगा। अल्लाह ताला आपके हालात में बेहतरी करे। बाकी ये कि आप अल्लाह ताला से मांगा करें, ज़ाहिर अल्लाह ताला जिसको देते हैं उसी की जो जो है ना, बाकी लोग भी उसी जो अल्लाह ताला जिसके दिल में रहम डालते हैं वही लोगों की मदद करता है, बाकी इंसान तो इंसान की मदद नहीं करता। जगह से सरकारी मिली थी वो भाई ने क्या कहता सर मड्डी बाहर सड़ते ना आपको रात में हम कहना बच्चे मिले बच्चों को दिखे रहे बाहर को दिखोगा मतलब काफ़ी सारी जगह थी जो आप सारे भाइयों ने उसमें बैठे थे, 3 कनाल जगह थी वो आप लोग उसमें थे, तो वो उन्होंने निकाल दिया आपको और अपने बच्चे बिठा दिए और खुद कब्जा कर। नहीं जब उन्होंने आपको निकाला है तो आप जाते हैं दोबारा उनसे कहते हैं कि मेरी जगह है। जगह थी मैं पुलिस ही लाया सी रप्पा टिक रही थी। अच्छा। पुलिस ने मैं दिता 1000 रुपए, उन्होंने दिता 5000, मैंने ढाकर छाड़ दिया पुलिस के रन साफ कर दिया। देखे पुलिस ने आके देखा कि सामान भी बाहर पड़ा है फिर भी उन्होंने लोगों ने आपको ही अंदर कर दिया। बारिश ही पौधी रही है छापर के ज्यादा 12-13 जड़े बैठ रहेगी चौथे ज्यादा बेपास बोलने बस हो रहे बंदे पत्थर थे भले मेरा भाई है कि मस्जिद ना ही दी शाबाश या कहवा ई भी जगह मैंने कहा ई हटू तरह मले जेड़े ही तो सब है। अच्छा मतलब इतनी सख्त बारिश भी हो रही थी, आप लोगों का सामान बाहर पड़ा था, पुलिस आई है देख लिया सारा कुछ फिर भी आपको अंदर कर दिया। इनसे पूछा है फिलहाल तो इनके पास खाने को कुछ नहीं है, कहते कि हम सुबह जब उठते हैं कि कुछ काम करें कुछ काम के लिए जाएं तो खाने में पेट में कुछ नहीं होता तो उठा भी नहीं जाता भूख से, इतनी इनकी बुरी हालत होती है। फिलहाल तो इनको सबसे ज़रूरत ये है कि इनको थोड़ा बहुत राशन दिया जाए ताकि ये ज़ाहिर है थोड़ा बहुत खाएंगे तो ये काम कर सकेंगे। तो बाकी अगर कोई इन तक थोड़ा बहुत राशन पहुंचा दे तो ये खाएं और चले थोड़ा बहुत तो काम करते हैं, कभी 100 रुपया लेके आते हैं उससे कुछ तो खाएंगे। अब कहते हैं कि जब कभी किसी दरबार वगैरह पे कोई खाना लगा हो तो हम जाके खा लेते हैं, वरना हम ऐसे ही भूखे सो जाते हैं। और सुबह जब उठते हैं तो उठने की भी हिम्मत नहीं होती कि उठ के कोई दूसरे दिन भी कोई काम कर सके। खत्म करते हैं, दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।